अयोध्या में राम मंदिर के उद्घाटन से पहले हुआ चमत्कार। दोस्तों, भगवान श्री राम का भव्य मंदिर अयोध्या में बनकर तैयार हो चुका है, लेकिन अभी कुछ ऐसी चमत्कारी घटना सामने आ रही है जिसे देखकर हर कोई हैरान है। दरअसल दोस्तों, जो गिद्ध पिछले कई सालों से हमें नजर भी नहीं आए, वो गिद्ध अचानक अयोध्या के अंदर बड़ी संख्या में झुंड लगाए बैठे हुए दिखाई दिए। कई लोग तो इन्हें साक्षात जटायु कह रहे हैं, जो कि भगवान श्री राम के मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा में शामिल होने के लिए आए हैं। इन्हें देखकर लोगों को हैरानी इसलिए हो रही है क्योंकि जो गिद्ध की प्रजाति विलुप्त होने की कगार पर थी, वो अचानक से इतनी ज्यादा संख्या में यहाँ कैसे आ गए। दोस्तों, पिछले 50 सालों में इतनी बड़ी संख्या में गिद्ध कहीं पर भी नजर नहीं आए हैं। उनका इतनी बड़ी संख्या में अयोध्या पहुँच जाना वाकई में भगवान श्री राम का ही चमत्कार है। लेकिन दोस्तों, अब सवाल ये आता है कि आखिर ये चमत्कार हुआ कैसे, और अयोध्या में भगवान श्री राम के दिव्य मंदिर के बनते वक्त कौन कौन से चमत्कार हुए, आज की इस वीडियो में हम आपको सब कुछ बताने वाले हैं। लेकिन आपसे बस यही रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को भी जरूर ऑन कर लें। तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तों आज की इस वीडियो को प्रभु श्री राम का नाम लेकर। दोस्तों, जिस दिन का इंतजार पूरी दुनिया को बड़ी ही बेसब्री से था, अब वो दिन आ गया है। अयोध्या में प्रभु श्री राम का भव्य मंदिर बनकर तैयार हो चुका है और 22 जनवरी को इस मंदिर का उद्घाटन किया जाएगा। इस मंदिर का इंतजार भारत समेत पूरी दुनिया के लोगों को बड़ी ही बेसब्री से था। हालांकि सुरक्षा कारणों की वजह से 22 जनवरी तक कोई भी आम नागरिक राम मंदिर के दर्शन नहीं कर सकता है। दोस्तों, बता दें कि राम मंदिर के भव्य उद्घाटन का इंतजार सिर्फ देश के हिंदुओं को ही नहीं बल्कि भारत में रहने वाले मुसलमान भाइयों को भी है। कोई पैदल अयोध्या जा रहा है तो कोई मंदिर के निर्माण के लिए लाखों रुपए दान दे रहा है। देश के कुछ मुसलमानों ने भी राम मंदिर को दिल से स्वीकारा है और अयोध्या में राम मंदिर के बनने की खुशी भी जाहिर की है। लेकिन दोस्तों, उससे पहले ही चमत्कार पे चमत्कार देखने को मिल रहे हैं, और सबसे पहला चमत्कार तो तब हो गया जब लोगों को अचानक से जटायु के वंशज यानी कि गिद्ध आसमान में उड़ते हुए दिखाई दिए। बता दें कि कुछ साधु संत इन्हें राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा में आए मेहमान मान रहे हैं, क्योंकि पिछले कुछ सालों से गिद्धों की प्रजाति विलुप्त सी हो गई थी। लेकिन दोस्तों, राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा के नजदीक आते ही अयोध्या के आसपास बड़ी संख्या में गिद्ध आ पहुंचे हैं। लोग इस करिश्मा को देखकर पूजा भी कर रहे हैं, क्योंकि गिद्ध ऐसा प्राणी है जो कि भारत से विलुप्त हो चुका है। ऐसे में प्रभु श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा से पहले ही इतने सारे गिद्ध दिखना अपने आप में ही एक करिश्मा है। दोस्तों, रामायण में ऐसा वर्णन मिलता है कि जब रावण माता सीता को लंका ले जा रहा था तो उस समय जटायु ने रावण का डटकर सामना किया था, लेकिन उस दौरान ही रावण ने जटायु का एक पर काट दिया था, जिसके बाद जटायु घायल होकर एक स्थान पर गिर पड़े थे। दोस्तों, आपको बता दें कि जहां पर जटायु घायल होकर गिरे थे वहां पर जटायु की एक बड़ी सी मूर्ति को बनाया गया है। आपको शायद ये जानकर भी हैरानी होगी कि केरल राज्य के कोलम की पहाड़ी पर बनी जटायु की ये प्रतिमा अभी तक की दुनिया की सबसे बड़ी पक्षी की मूर्ति है, जिसे आज जटायु अर्थ सेंटर के नाम से भी जाना जाता है। और दोस्तों, वहाँ के लोग जटायु को एक देवता की तरह मानते हैं, क्योंकि जटायु हिंदू पौराणिक इतिहास के सबसे पहले ऐसे पात्र थे जिन्होंने सबसे पहले वुमेन प्रोटेक्शन के लिए अपनी जान दी थी। लेकिन कुछ बुद्धिजीवी लोग भी हैं जो कि रामायण के होने पर ही सवाल उठाते हैं। उन लोगों का मानना है कि रामायण असल में एक काल्पनिक कहानी थी, लेकिन उन्हें ये जानने की भी जरूरत है कि आज भी रामायण से जुड़े हुए कई सारे ऐसे सबूत मौजूद हैं जो हर किसी को ये मानने पर मजबूर कर देते हैं कि रामायण कोई काल्पनिक नहीं बल्कि एक वास्तविक घटना है। दोस्तों, जटायु जो कि गिद्ध प्रजाति से ताल्लुक रखते हैं, वही जटायु भगवान श्री राम के परम भक्त भी थे। रामायण में जटायु का हमें कई बार जिक्र देखने को मिलता है। त्रेता युग में जब भगवान श्री राम को अपने पिता द्वारा वनवास का आदेश मिला था, तब पंचवटी में भगवान श्री राम की पक्षीराज जटायु से मुलाकात हुई थी। पक्षीराज जटायु माता सीता को अपनी पुत्री के समान मानते थे, और जब रावण माता सीता को हरण करके ले जा रहा था तब जटायु ने ही लंकापति रावण से माता सीता की रक्षा के लिए युद्ध किया था। ये वही जटायु हैं जिन्होंने अपने पंखों से रावण को बहुत चोट पहुंचाई थी, जिसके बाद रावण ने जटायु के शरीर को लहूलुहान कर दिया था और उसका एक पर भी काट दिया था। दोस्तों, आपको बता दें कि इस संघर्ष में जटायु ने अपने प्राणों की आहुति दे दी थी। दोस्तों, छत्तीसगढ़ के दंडकारण्य में गिद्धराज जटायु का एक मंदिर बना हुआ है। भगवान श्री राम की राह पर सबसे पहले अपने प्राणों की आहुति जटायु ने ही दी थी। दोस्तों, राम कथा में एक प्रसंग आता है जब जटायु के भाई संपाति कहते हैं कि मैं बहुत बूढ़ा हो चुका हूँ, मेरे पंख बहुत कमजोर हो चुके हैं, लेकिन मेरी आंख कई सौ किलोमीटर दूर तक की चीजों को आसानी से देख सकती है, इसलिए मैं माता सीता को अशोक वाटिका में बैठा हुआ देख रहा हूँ।
जिसके बाद जाम्बुवंत के कहने पर हनुमान जी 400 योजन के समुद्र को पार करके लंका जाते हैं। दोस्तों ये बात तो हम सभी जानते हैं कि अयोध्या नगरी के अंदर ही भगवान श्री राम का जन्म हुआ था, और इस बात का जिक्र हमें वाल्मीकि जी की रामायण में भी देखने को मिलता है। सालों तक चले राम राज्य के बाद जब श्री राम ने जल समाधि ले ली तो अयोध्या नगरी सूनी हो गई थी। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार उज्जैनी के राजा जब विक्रमादित्य यहाँ पर शिकार खेलने के लिए आए तो उन्हें इस बंजर पड़ी भूमि पर कुछ चमत्कार दिखाई देने लगे, जिसके बाद खोज हुई तो पता चला कि ये श्री राम जी की जन्मभूमि है। उसके बाद उन्होंने यहाँ पर श्री राम जी के दिव्य मंदिर का निर्माण कराया, जिसमें काले रंग की कसौटी पत्थर वाले 84 स्तंभ थे। समय के अनुसार बदलते राजाओं ने यहाँ पर मंदिर की देखभाल की, लेकिन 14वीं शताब्दी में जब भारत में मुगलों का शासन आया तो श्री राम जन्मभूमि को नष्ट कर वहाँ बाबरी मस्जिद बना दी गई। साल 1525 में राम जन्मभूमि मंदिर को बाबर के सेनापति मीर बांकी ने ध्वस्त करके वहां पर बाबरी मस्जिद बना दिया। बाबरी मस्जिद में 3 गुंबद थे, जिसके बाहरी हिस्से के एक चबूतरे में श्री राम के बाल स्वरूप की पूजा होती थी और इसे ही राम चबूतरा कहा जाता था। लेकिन साल 1950 में बाबरी मस्जिद के मुख्य गुंबद के ठीक नीचे वही मूर्ति निकली जो सदियों से राम चबूतरे पर विराजमान थी। बाबरी मस्जिद और राम जन्मभूमि मंदिर पर सालों साल चले विवाद के बाद आखिरकार अब श्री राम जी की अपनी जन्म स्थली पर प्राण प्रतिष्ठा हो रही है। लेकिन दोस्तों अब एक सवाल ये भी है कि आखिर अयोध्या में भगवान श्री राम की मूर्ति बनाने के लिए नेपाल से 2 विशाल पत्थरों को लाया गया था। इन पत्थरों को लाने के बाद आखिर क्यों उन पत्थरों से मूर्ति नहीं बनाई गई? ऐसी क्या वजह थी कि नेपाल के उन 2 पत्थरों की जगह दूसरे पत्थरों का इस्तेमाल किया गया? दरअसल दोस्तों पिछले साल फरवरी में नेपाल की काली गंडकी कंठ से 2 शिलाएं अयोध्या लाई गई थी। इन 2 शिलाओं का वजन 14 टन और 27 टन था। शुरुआत में इन शिलाओं से राम मूर्ति बनाए जाने की बात सामने आई थी, लेकिन बाद में पता चला कि इन शिलाओं को श्री राम मूर्ति बनाने के लिए उचित नहीं पाया गया। कुछ आर्टिकल्स के मुताबिक इन शिलाओं से मूर्ति नहीं बनाए जाने की एक वजह राम मंदिर से जुड़े संतों की ओर से जताई गई आपत्ति थी। खबरों के मुताबिक कुछ संतों का मानना था कि इन शिलाओं को मूर्ति निर्माण में इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं, क्योंकि काली गंडकी की चट्टानों को तोड़ा नहीं जाना चाहिए। ऐसा इसलिए क्योंकि वो शालिग्राम के बराबर हैं। हालांकि अयोध्या पहुंचे नेपाली प्रतिनिधियों के मुताबिक इन शिलाओं की तकनीकी जांच के बाद मूर्तिकारों ने कहा कि ऐसी शिला से मूर्ति तराशना संभव नहीं है। इसके बाद दूसरे पत्थरों से मूर्तियां बनाई गईं। नेपाली प्रतिनिधियों के मुताबिक 27 टन वजनी शिला पर मूर्ति तराशने की कोशिश की गई थी, क्योंकि इतने टन वजनी शिला को शालिग्राम माना गया, लेकिन 27 टन वाली शिला भी उपयुक्त ना पाए जाने के बाद दोनों शिलाओं को राम मंदिर निर्माण के स्थल के पास रखा गया। रिपोर्ट्स के मुताबिक राम मंदिर के गर्भगृह में रखने के लिए देश के अलग अलग जगहों से लाई गई शिलाओं से 3 मूर्तियां बनाई गई हैं और इन्हीं को गर्भगृह में स्थापित किया जाएगा। दोस्तों अयोध्या में दुनिया का सबसे बड़ा राम मंदिर बन रहा है, जिसका लोग बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। राम मंदिर के निर्माण के लिए कुल 67 एकड़ जमीन है, जिसमें से 2 एकड़ में मंदिर बन रहा है। पहले मंदिर के मुख्य शिखर की ऊंचाई 128 फीट थी, पर अब ये 161 फीट होगी और 3 की जगह 5 गुंबद और 1 मुख्य शिखर होगा। वैसे तो इसका काम साल 2020 में ही शुरू कर दिया गया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 5 अगस्त 2020 को अयोध्या में राम मंदिर की आधारशिला रखी थी। दोस्तों इसके पहले साल 1992 में बाबरी मस्जिद को ढहा दिया गया था, जिसके बाद हिंदू पक्ष और मुस्लिम पक्ष के बीच इलाहाबाद हाईकोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक काफी लंबी लड़ाई चली और अंततः नवंबर 2019 में सुप्रीम कोर्ट द्वारा ऐतिहासिक फैसला सुनाया गया। और फैसला ये था कि अयोध्या में विवादित जमीन पर श्री राम जी का भव्य मंदिर बनाया जाए। खैर दोस्तों ये मुद्दा तो अब सुलझ चुका है और राम मंदिर भी बन चुका है, और वहाँ हो रहे चमत्कार को देखकर पूरी अयोध्या समेत पूरा भारत हैरान है। दरअसल दोस्तों वहाँ पर जटायु जैसा दिखने वाला ये पक्षी मिला है, जिसकी तस्वीरें और वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहे हैं। जटायु जैसे दिखने वाले इस पक्षी को सब गिद्ध बता रहे हैं, और बताया जा रहा है कि ये गिद्ध कोई और नहीं बल्कि रामायण के जटायु ही हैं, और इनके साथ जो छोटे गिद्ध हैं वो उनके वंशज ही हैं। दोस्तों अयोध्या में राम मंदिर के उद्घाटन से पहले जटायु का दिखना किसी चमत्कार से कम नहीं है। लोगों का मानना है कि अयोध्या में बने राम मंदिर के दर्शन करने के लिए जटायु स्वयं यहां पर आए हैं। वैसे दोस्तों इन गिद्धों के बारे में आपका क्या मानना है? क्या असल में ये रामायण के जटायु हैं या फिर कुछ और? नीचे कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दें।